हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर डायोड्स। इस यूनिट के जो कंटेंट्स हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम यहां पे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज में एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानेंगे, मीन्स इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर किस तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या फंक्शन होता है, इंटरनल उनका कैसा होता है, ये सारी बात करेंगे। उसके बाद हम बॉन्डिंग फोर्स और बॉन्डिंग एनर्जी इन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर मटेरियल पे बात करेंगे कि इंट्रेंसिक और एक्सटर्नल के बीच में एनर्जी बैंड किस तरह से चेंज होता है। इंट्रेंसिक में जो एनर्जी बैंड होता है वो एक्सटेंसिक में जाने पे एन टाइप और पी टाइप बनने पे किस तरह से चेंज होता है, उनके बीच में बॉन्डिंग फोर्स किस तरह के होते हैं। इसके बाद हम चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो पी टाइप एन टाइप चार्ज कैरियर्स, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर, उनके कॉन्सेंट्रेशन पे बात करेंगे। तो ये सारी बात हम यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे इसके बेसिस पे। फिर यहाँ पे हम जंक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो जंक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में होगा। तो जंक्शन प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि जब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो उस समय उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहती है। एक नॉर्मल स्टडी स्टेट कंडीशन की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे। उसके बाद वाइस जंक्शन की बात करेंगे, तो जीरो वाइस, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज की बात करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद रेक्टिफाइंग डायोड्स और जेनर डायोड्स, उन दोनों में जो ब्रेकडाउन्स होते हैं उन ब्रेकडाउन पे बात करेंगे। तो सिंपल रेक्टिफाइंग डायोड्स में एवलांची ब्रेकडाउन, जेनर डायोड में जेनर ब्रेकडाउन और एवलांची ब्रेकडाउन दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट टू दिस वी विल टॉक ऑन द मेटल सेमीकंडक्टर डायोड और मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, की कैसे मेटल और सेमीकंडक्टर का एक जंक्शन बना के कुछ प्रॉपर्टीज जो है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की बदली जा सकती है, उन प्रॉपर्टीज के बेस में बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला डिस्कशन होगा वो स्पेशल पर्पज डायोड्स पे होगा। तो स्पेशल डायोड्स में उन डायोड्स की स्पेशल एप्लीकेशंस और स्पेशल एप्लीकेशंस के बेसिस पे उनका जो स्पेशल यूज है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर टनल डायोड की बारे में बात करेंगे। तो टनल डायोड बेसिकली ऑसिलेटर्स की तरह एम्पलीफायर्स में यूज होता है। इसकी जो निगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स है उसका हम यूज करेंगे। एक ऑसिलेटरी वेवफॉर्म जो वी आई करेक्टरिस्टिक में ये प्रोवाइड करता है उसका यूज करेंगे हम यहाँ पे ऑसिलेटरी वेवफॉर्म या ऑसिलेटर्स में, और इसके बाद इस एम्पलीफायर्स में इसका यूज कर सकते हैं। सिमिलरली वैरेक्टर डायोड पे बात करेंगे, जहां पे डायोड की रिवर्स वाइज में कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है, उस कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो वैरेक्टर या वेरी कैप डायोड इसका नाम है, जो दूसरा वेरी कैप और वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। तो यहाँ पे कैपेसिटर को हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उस डायोड को हम वैरेक्टर डायोड के नाम से जाना जाता है, तो वैरेक्टर डायोड पे बात करेंगे। फिर इसके बाद हम शॉटकी डायोड पे बात करेंगे। तो बेसिकली WH शॉटकी ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम पड़ा। यह मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है और मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होने के कारण ये हाई स्पीड एप्लीकेशंस में जहां पर लॉजिक फैमिली डिजाइन करने में यूज किया जाता है, तो यहां पर शॉटकी डायोड और शॉटकी ट्रांजिस्टर जो यूज होते हैं वो बेसिकली हाई स्पीड एप्लीकेशंस में, हाई स्पीड लॉजिक सर्किट्स में, कंप्यूटर्स में उपयोग होता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट टू वी विल डिस्कस फोटोडायोड या फोटो डिटेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, दैट मींस लाइट पीएन जंक्शन पे इंसिडेंट होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसको हम बैटरी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं या फिर नॉर्मल सर्किट्स को कंडक्ट करने में यूज करते हैं। तो ये फोटोडायोड या फोटो डिटेक्टर पर बात करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। नेक्स्ट टू दिस वी विल डिस्कस ऑन लाइट इमिटिंग डायोड। फोटोडायोड का जस्ट रिवर्स फंक्शन, फोटोडायोड अगर रिवर्स वाइज में काम करता है तो लाइट इमिटिंग डायोड फोटोडायोड में काम करता है। यहाँ जस्ट फोटोडायोड के अपोजिट फिनोमिना होती है कि लाइट इमिटिंग डायोड में करंट फ्लो कराते हैं तो ये लाइट इमिट करता है। तो इसके फंक्शंस, एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग पे बात करेंगे। इसके बाद हम प्रॉब्लम्स देखेंगे लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। फिर इसके बाद मोस्ट एप्लीकेबल डायोड जो
रेगुलेटर की तरह काम करता है, जेनर डायोड पे बात करेंगे। तो जेनर डायोड का नॉर्मल कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, इस पे बात करेंगे। वो रेगुलेटर की तरह किस तरह से काम कर सकता है और सिंपल इसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट के कंटेंट्स होंगे जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। थैंक यू।